बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आई टी फॉरएवर पे। फ्रेंड्स एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि वफाकी मुहतसब सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में लेटेस्ट गवर्नमेंट की जॉब अनाउंस की गई हैं, जिसमें यह फेडरल गवर्नमेंट की जॉब हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस की गई हैं, जिसमें क्लास फोर क्लैरिकल और कुछ प्रोफेशनल लेवल की जॉब जो हैं वो शामिल की गई हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी जॉब्स हैं और इसमें क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए और आप लोग इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकेंगे। तो आपने इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है। उसके साथ साथ अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल आई टी फॉरएवर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी लेटेस्ट आने वाली जॉब्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हासिल करते रहें। तो फ्रेंड चलते हैं आज के एडवर्टाइजमेंट की तरफ। आप देख सकते हैं कि फेडरल अम्बड्समैन सेक्रेटरीट यानी कि वफाकी मुहतसब सेक्रेटरीट का लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन है, जिसमें सबसे पहले एडवाइज़र की चार सीटें अनाउंस की गई है, एलएलबी रिक्वायर की गई है और इस्लामाबाद कराची पेशावर लाहौर वगैरह की एक एक सीट अनाउंस की गई है। उसके अलावा लॉ ऑफिसर इसके लिए एलएलबी रिक्वायर की गई है, कंट्रैक्ट बेस पर जॉब है और इस्लामाबाद की एक सीट अनाउंस की गई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तीन सीटें अनाउंस की गई हैं, उसके अलावा जिसमें सेकंड क्लास बैचलर डिग्री आपने पास की हो 22 से 23 साल तक जो है वो एज लिमिट रखी गई है। कॉन्ट्रैक्ट की ये सीट है, एक सीट इस्लामाबाद की होगी, एक कराची की होगी, एक पेशावर से जो है वो जो है अपॉइंटमेंट होगी। उसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट की एक सीट है, इंटरमीडिएट रिक्वायर की गई है, 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड और 40 वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 20 से 28 साल तक जो है वो एज लिमिट रखी गई है। कॉन्ट्रैक्ट की ये जॉब्स है और लाहौर की एक सीट अनाउंस की गई है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की दो सीटें अनाउंस की गई हैं, जिसमें मैट्रिक डिग्री रिक्वायर की गई है। उसके अलावा ड्राइवर की पांच सीटें, प्राइमरी पास जो है वो रिक्वायर किया गया है, स्वीपर की जो है वो चार सीटें अनाउंस की गई हैं। उसके अलावा आपने इसमें अप्लाई किस तरह से कहना है, कैंडिडेट अबव कंडीशन में सेंड देयर एप्लीकेशन विद द कम्प्लीट, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं उसने उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं अटैच करके नीचे जो मैंशन एड्रेस है वहाँ पर भेज देने हैं। आप देख सकते हैं कि या तो आप इस जीमेल के ऊपर भी भेज सकते हैं या फिर आप इसके एड्रेस पे भी भेज सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म का कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। जो पहले से सरकारी मुलाजमीन है वह अपने एनओसी के मुताबिक इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और जो इसमें जो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड ये थी आज की मेरी लेटेस्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि वाकई बहुत से सेक्रेटरीट में लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं, जिसमें आप लोग भी अप्लाई करके इन जॉब्स को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह